नमस्कार, सुनीता अग्रवाल किचन पर आपका स्वागत है। आइए आज हम गर्मियों में खाया जाने वाला खीरे का रायता बनाएंगे। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक खीरा लिया है। अब हम खीरे को इस तरीके से काटेंगे और उसको इस तरीके से इसमें कट लगाएंगे। अब हम इसे इसके ऊपर रख करके इसे इस तरीके से घुमाएंगे और फिर लगातार एक दो सेकंड तक करेंगे, जब तक कि इसमें हल्के हल्के झाग ना आ जाए। ऐसा करने से खीरे का कड़वापन निकल जाता है। आप देख सकते हैं कि खीरे में झाग आ चुके हैं। अब हम इसमें यहाँ से थोड़ा सा खीरे का पीस हटाएंगे और इसे अलग रख देंगे और इसको छील लेंगे। अब हम खीरे की हल्की सी परत काट करके इसको चेक करेंगे। हमारा खीरा बिल्कुल सही है, ये कड़वा नहीं है। अगर आपका खीरा कड़वा निकले तो आप उसका रायता ना बनाएं। अब हम खीरे को कद्दूकस में कस लेंगे। हमने यहाँ पर खीरे को घिस लिया है। अब हम इसका रायता बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक बाउल में एक कटोरी दही करेंगे, जो कि वजन में 200 ग्राम है, और दही को अच्छे से फेंट लेंगे। हमारा दही अच्छे से फिट चुका है, ये एकदम चिकना हो चुका है। अब हम इसमें कसा हुआ खीरा डालेंगे। अब हम इसमें आधी चम्मच बारीक घिसा हुआ अदरक, एक बारीक कटी हरी मिर्च, आधी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच काला नमक, चौथाई चम्मच सादा नमक डाल करके इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम रायते के ऊपर से डालने के लिए इसका तड़का तैयार करेंगे। अब हम एक तड़का पैन को गरम करके उसमें 3 छोटे चम्मच ऑयल करेंगे और ऑयल के गरम होने के बाद अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच राई, 1/4 चम्मच हींग और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और उसके बाद अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा ठंडा होने के बाद इसे रायते के ऊपर से डालेंगे, क्योंकि अगर आप गरम गरम तड़का रायते के ऊपर डालेंगे तो दही फट जाएगा, इसलिए तड़के को थोड़ा ठंडा करके ही डालें। हमारा तड़का हल्का ठंडा हो चुका है। अब हम इसे रायते के ऊपर से डालेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए, हमारा खीरे का रायता तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।